जय हिंद। मैं मोहम्मद तौफीक BTS न्यूज़ एंड टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कश्मीरी फाइल्स पे हमारी पार्टी की तरफ से हमने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया था और कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स पर रिट पिटीशन को जो है सो विड्रॉ करना पड़ा और इंशाल्लाह ताला हम फिर से फाइल करने वाले हैं। जो भी उनके फॉर्मेलिटीज़ थे वो पूरे कंप्लीट कर चुके हैं और हम ये देखेंगे कि कश्मीर फाइल्स फिर से बैंड होना चाहिए, अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह ताला। लेकिन कब बैंड होगा? जब आप सबकी दुआएँ होंगे। हमारी एक कोशिश से कुछ नहीं होने वाला है, आपकी दुआएं हमारे साथ रहें। और आपसे अपील करता हूं, आप लोग फिर से दुआ कीजिए, कश्मीरी फाइल्स को जो है सो इंशाल्लाह ताला तेलंगाना में हम बैन करेंगे। अब इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान का जो मुस्तकबिल हो रहा है, हिंदुस्तान में जो हालात हो रहे हैं, हिंदुस्तान के जो एकदम जो बोल सकते कंडीशन जो हिंदुस्तान का हो चुका है, बहुत ख़राब हो चुका है BJP गवर्नमेंट। और ख़ासतौर से मैं माँ बाप से अपील करता हूँ कि आपके बच्चों को अगर हिंदुस्तान में बदलाव लाना चाह रहे हैं, अपने औलाद को आने वाली नस्ल को जो है सो हक दिलाना चाह रहे हैं, ये लोग को जेनोसाइड से बदलाना चाह रहे हैं, बचाना चाह रहे हैं, तो आप लोग जो है सो अपने बच्चों को सिक्योरिटी फोर्सेस में दाखिल कराइए, उन लोगों को जॉब्स में लाइए, पुलिस में कांस्टेबल रहने दीजिए, SI रहने दीजिए, Group 1 DSP रहने दीजिए, या नहीं तो फिर जो है सो आप जो है सो सिविल सर्विस कराइए। अगर इंटेलिजेंट है तो IAS IPS IFS आर्मी में डालाइए, नेवी में डलाइए, एयरफोर्स में डलाइए। ये ऐसे सर्विसेज है, अगर इसमें आपकी मेजॉरिटी बढ़ती है तो समझो आने वाला हिंदुस्तान आपके हाथ में है। वरना अगर आप अपने बच्चों को सिक्योरिटी सर्विसेज में नहीं डाल के डॉक्टर बना लिए, इंजीनियर बना लिए, आर्किटेक्ट बना लिए बोले तो बन जाएंगे ज़रूर बच्चों का मुस्तकबिल, लेकिन जो है सो आने वाले नस्लों का मुस्तकबिल तबाह होने वाला है। आप लोगों को गुलाम बन के रहना पड़ेगा, डॉक्टर भी रहे तो गुलाम बन के रहना पड़ेगा। आपका फ़र्ज़ बनता हर घर से एक बच्चा सिक्योरिटी फोर्स में जाना चाहिए, आर्मी में, आप जो है सो नेवी में, एयरफोर्स में, लोकल पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, ऐसे चीज़ों में जो है सो आप लोग जो है सो अपने बच्चों को हर घर से एक बच्चे को वहाँ पर आप डालना ज़रूरी है, तो ये आपका मुस्तकबिल सेफ है। आने वाले हुकूमत में जो है सो आने वाले हालात में आपकी अगर मेजॉरिटी बढ़ती है तो इंशाल्लाह ताला हम दावे से कह सकते हैं कि आपके ऊपर जुल्म ज़्यादती नहीं होंगी, आपके साथ जेनोसाइड नहीं होगा, आप अपना हक खुद लड़ के ले सकेंगे। तो वो तो आपकी वहाँ पर अक्सरियत नहीं है, आप 10,000 में 200 जवान नहीं है पुलिस में, ना तो मिलिट्री में, ना आर्मी में, ऐसी चीज़ों में जब तक कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस में आपका मेजॉरिटी नहीं आएंगी, कम से कम इक्वल नहीं होंगे, तो आपको हमेशा दबा दिया जाएगा, आपकी आवाज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। बनाइए डॉक्टर इंजीनियर, लेकिन जो है सो एक को बनाइए तो कम से कम एक को सिक्योरिटी फोर्स में डालिए। देख रहे हैं आप कैसे हालात हो रहे हैं, कैसे हालात हो रहे हैं मुसलमानों के साथ, कैसा जुम्मे आती हो रही, चुन चुन के मारा जा रहा है, आवाज़ को उठा